हेलो एवरीवन, आज की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आज का अपना नया टॉपिक और इस टॉपिक का नाम है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी, जिसे कि हिंदी में उत्पादकता भी कहा जाता है, तो अगर हम सामान्य भाषा या आम बोलचाल की भाषा में समझना चाहें तो प्रोडक्टिविटी से हमारा मतलब होता है कि कम से कम एफर्ट्स में अधिक से अधिक रिजल्ट या अधिक से अधिक आउटपुट प्राप्त करना। जैसे कि आप सब लोग स्टूडेंट्स हैं तो आप चाहते हैं कि आप कम से कम पढ़ाई करके मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें, तो इसके लिए आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहेंगे। तो वैसे ही जब हम किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है कि वहाँ पर कम से कम एफर्ट्स, कम से कम रिसोर्सिस का यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स गेन किए जा सकें। तो इसके लिए जो है उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे फोकस किया जाता है। तो अब हम प्रोडक्टिविटी की एक डेफिनेशन देखेंगे यहाँ पे। एसेंशियली प्रोडक्टिविटी इज अ रेशियो टू मेजर हाउ वेल एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, इंडस्ट्री, कंट्री कन्वर्ट्स इनपुट रिसोर्सेज, लेबर, मटेरियल, मशीन्स एक्सेट्रा इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। तो जैसा कि हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात की, तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, जिनमें लेबर यानी कि हमारा श्रम, मटेरियल जो हम सामग्री यूज करते हैं, मशीन्स जो मशीनरी हमारी काम करती है, और सर्विसेज होते हैं। तो प्रोडक्टिविटी एक रेशियो होता है जिसमें कि ये नापा जाता है या इस बात की मेजरमेंट की जाती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने इन सभी रिसोर्सेज को कितने अच्छी तरह से कन्वर्ट करती है रिजल्ट्स में, जिससे कि उसे अधिक से अधिक प्रॉफिट और अच्छे से अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सके। दिस इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन रेशियोज ऑफ इनपुट टू आउटपुट, यानी कि हमारे इनपुट रिसोर्सेज से जो हमें आउटपुट होता है उसका रेशियो निकालकर हमारी प्रोडक्टिविटी मेजर की जाती है। दैट इज इनपुट कॉस्ट गुड्स डिवाइडेड बाय सर्विसेज। इट इज नॉट ऑन इट्स ओन अ मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंट द कन्वर्जन प्रोसेस इज। तो प्रोडक्टिविटी मेजर करने के लिए देखा जाता है कि प्रोडक्टिव किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, उसे किस तरह से कम किया जा सकता है। ये एक मैथमेटिकल रेशियो होता है कि हमारा कन्वर्जन प्रोसेस यानी कि हमारा जो प्रोसेस है वो कितनी आसानी से अपने एफर्ट्स को रिजल्ट में मेजर करता है, जिससे कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न किया जा सके। तो प्रोडक्टिविटी के मॉडल को समझने के लिए हम एक चार्ट यूज करते हैं, जिसे कि प्रोडक्टिविटी ट्री भी कहा जाता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रोडक्टिविटी ट्री क्या होती है और ये किस तरह से काम करती है। तो प्रोडक्टिविटी, ये जो हमें ट्री जैसा दिख रहा है, ये प्रोडक्टिविटी ट्री है। तो इसमें ये जो इसकी जड़ें दिखाई जा रही है, ये हमारे इनपुट सोर्सेज होते हैं, यानी कि जो भी हम रिसोर्सेज यूज करते हैं वो इस ट्री को दिखाते हैं। और ये जो इसका तना है, इस तने को जो है हमारा प्रोसेस होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या जो वर्किंग प्रोसेस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ये जो है पेड़ का तना उसे डिनोट करता है। और ये जो हमें फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं एप्पल की तरह, ये हमारे रिजल्ट्स होते हैं। तो अब देखिए, पहली रूट हम इसकी देख रहे हैं मटेरियल, क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ इनपुट मटेरियल्स टूल्स टू अंडरटेक द वर्क एफिशिएंटली, इक्विपमेंट्स अप टू डेट एंड फिट फॉर द पर्पस। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले हमारा मटेरियल जो है प्रॉपर क्वालिटी का होना चाहिए और प्रॉपर क्वांटिटी में होना चाहिए, जो हमें जितना हमें चाहिए। हमारे पास मटेरियल कम भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अफेक्ट करती है। दूसरा, टूल्स, तो हमारे टूल्स अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, जिससे कि हम अपना काम एफिशिएंटली यानी कि कुशलता से कर सकें। इक्विपमेंट्स अप टू डेट, हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे अप टू डेट यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के होने चाहिए। और फिट टू पर्पस, जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या पर्पस होते हैं उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। स्किल्स, ट्रेन एंड डेवलप फॉर द पर्पस, जो हमारा स्टाफ होता है वो एकदम स्किल्ड होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए उसे कौन सा काम किस तरह से एफिशिएंटली किया जा सकता है, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और दूसरे फैक्टर्स आ जाता है हमारा पीपल, करेक्ट स्किल लेवल, एज मिक्स, हमारे पास करेक्ट स्किल लेवल के, हमारे पास स्किल्ड लेबर होनी चाहिए।
और प्रॉपर एज की होनी चाहिए। मतलब अगर हमारे पास इमेच्योर पीपल होंगे तो वो भी काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, या बहुत ज़्यादा एल्डरली पीपल्स होंगे, लेबर होगी तो वो जल्दी थक जाएगी, वो भी अपना काम एफिशिएंटली नहीं करना कर पाएगी। नॉलेज, पीपल विद एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज इन द अप्रोप्रिएट एरिया ऑफ द बिजनेस। हमारी जो लेबर होती है उसके पास नॉलेज होना चाहिए, उन्हें अपने काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो उसमें एक्सपर्ट होने चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से बिजनेस को हैंडल कर सकें। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट सिस्टम, प्रोसीजर टू इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन कैन अंडरटेक कन्वर्जन प्रोसेस एफिशिएंटली। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, हर डिपार्टमेंट एक प्रॉपर सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, जिससे कि वो अपना सारा काम एफिशिएंटली कर सके और एक प्रोसेस के अंडर कर सके, जिससे कि हमें अच्छे से अच्छे रिजल्ट जो है हासिल होंगे। दूसरा आ जाता है मैनेजमेंट, स्किल एबिलिटी एंड लीडरशिप स्टाइल राइट कैलिबर एंड कॉम्पिटेंस। यानी कि जो हमारी मैनेजमेंट होती है वो स्किल्ड होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए और लीडरशिप होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा लीडर जो होता है वो अपनी पूरी टीम को, पूरी वर्कफोर्स को मोटिवेट रखता है, जिससे वो अच्छे से अच्छे तरीके से काम कर सके और हमें बेटर से बेटर रिजल्ट मिल सके। तो हमारी मैनेजमेंट जो है एकदम कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, जो अच्छे तरीके से काम कर सके। प्रोसेसेस अडॉप्ट डिड द टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड एंड सिस्टम द सिस्टम यूज्ड। हमारा प्रोसेस जो है एकदम एफिशिएंट होना चाहिए, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करे, जिससे कि उसे अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिल सके। एटीट्यूड्स, एबिलिटी टू अडेप्ट कोऑपरेट चेंज रिसोर्सफुलनेस एंड मोटिवेशन। एटीट्यूड होता है हमारा किसी भी काम को करने का नजरिया कैसा है, तो हमारा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, वो दूसरों के साथ सहयोग कर सके, हमारी जो वर्क फोर्स है वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सके, चेंज वो हमेशा चेंज को अडेप्ट करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि हम जानते हैं आजकल टेक्नोलॉजी डे टू डे अपग्रेड होती रहती है, तो जैसे अगर हम उसे अपग्रेड, खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे तो वो अच्छे से नहीं कर पाएगी। और साथ में हमारे एटीट्यूड में मोटिवेशन होनी चाहिए, हम दूसरों को भी मोटिवेट करें और खुद भी मोटिवेट रहें। अगर हमारे ये सारे रिसोर्सेज अच्छे तरीके से काम करेंगे तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और जब हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्टिविटी ट्री हमें ये रिजल्ट्स मिलेंगे, इंक्रीज वॉल्यूम, एबल टू रीच वाइडर मार्केट। यानी कि हमारे जो प्रोडक्शन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे ये बेनिफिट होगा कि हम अपने प्रोडक्ट को बड़ी मार्केट में पहुंचा सकेंगे, और जब बड़ी मार्केट में पहुंचाएंगे तो हमारी सेल्स ज़्यादा होगी, और सेल्स ज़्यादा होगी तो हमारे प्रॉफिट का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इम्प्रूव सर्विसेज, जब हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारी सर्विसेज बढ़ेंगी, यानी कि बेटर डिलीवरी, हम अच्छे तरीके से सामान को डिलीवर कर सकेंगे, टाइम पे डिलीवर कर सकेंगे। आजकल किसी भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो जो जिसका डिलीवरी चैनल जितना एफिशिएंट होगा वो उतनी बड़ी मार्केट कैप्चर कर सकता है और उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। बेटर क्वालिटी, जब हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी तो हमारा प्रोडक्ट भी बेटर क्वालिटी का होगा, बेटर आउटपुट, हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा। बेटर बेनिफिट्स टू द कस्टमर, हम कस्टमर्स को अच्छे से अच्छे या ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे पाएंगे, और जब हम कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारे कस्टमर बढ़ेंगे, और कस्टमर बढ़ेंगे तो हमारी सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। रिड्यूस्ड कॉस्ट, तीसरा बेनिफिट आता है प्रोडक्टिविटी का, लोअर यूनिट कॉस्ट। जैसे जैसे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो पर यूनिट कम होती जाती है, मोर प्रॉफिट और मोर सेल्स। जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है तो हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हम ज़्यादा सेल कर पाएंगे, और ज़्यादा सेल करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा। सो इन ब्रीफ हम कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी वो सारा प्रोसेस होता है जिसके अंडर की हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या जो उत्पादन के साधन होते हैं उनको किस तरह से एफिशिएंटली कुशलता के साथ इस्तेमाल करें, जिससे कि हमें अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हम जनरेट कर सकें और अपने ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल क्रिएट कर सकें, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो दिस इज इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्टिविटी, कल हम इस चैप्टर के आगे का पार्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, आप इसको रिवाइज करें, बाय।